हेलो दोस्तों, फाइनली मेरे पास आ चुका है निकॉन Z6 III कैमरा। ये निकॉन Z6 II कैमरा है, उसका अपग्रेडेड कैमरा। और निकॉन ने इस बार इस कैमरे के अंदर जो उसके फ्लैगशिप कैमरा Z6 VIII और Z6 IX है, उसमें जो उसका ऑटो फोकस या फिर उसका रो वीडियो कैपेबिलिटी इस Z6 III के अंदर जो ऐड करने की कोशिश करी, इस कैमरे के रिव्यू के बारे में जानेंगे। कैसा यह कैमरा है, क्या आपको ये बाई करना चाहिए, तो जानते हैं इस कैमरे के बारे में, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, निकॉन Z6 III आप बाई करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप किट के साथ बाई कर सकते हो, इसकी बॉडी अलग और इसका जो लेंस है यहाँ पे 24-74 जो अपरेचर के साथ यहाँ पे मैंने ये लेंस बाई किया है। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। फर्स्ट इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट आपको पेपर मैनुअल कुछ मिल जाता है, अगर आप इससे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो लेंस देखने को मिल जाता है, ये लेंस है 24-17 अपरेचर 4 के साथ यहाँ पे आता है। और इस लेंस को मैंने लिया है, इसके साथ इस लेंस के साथ आपको हुड देखने को मिल जाता है लेंस का। हुड इस बॉक्स को हम साइड में कर देते हैं, तो ये हमारा जो लेंस आ गया है। और इस लेंस के हुड को मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। ओके, तो ये लेंस है। इसके बाद में ये Z6 III का बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। पहले से ही यहाँ पे मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे मैनुअल गाइड बुक मिलती है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। इनको मैं साइड में कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक बॉडी के साथ यहाँ पे दो बैटरी को देखने को मिलती है, और ये है जो आप अपने पावर बैंक से चार्ज भी कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे पावर बैंक चार्जर की केबल दे रखी है, जिससे आप अपने कैमरे को इनबिल्ट है रिकॉर्डिंग करते समय भी आप इसको चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैटरी चार्जर दे रखा है, अगर आप अलग से बैटरी चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। और फाइनली ये है जो निकॉन Z6 III की बॉडी है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड करने की कोशिश की रही, तो मैं इस बॉक्स को कर देता हूँ साइड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है निकॉन Z6 III, और इस बार इसमें यहाँ पे फ्लिप डिस्प्ले दे रखी है। अब आप व्लॉगिंग वगैरह अगर करते हो तो इस जो डिस्प्ले को यूज करके भी आप अपने वीडियो है YouTube पे या फिर व्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज ले सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करने की कोशिश करी है, जो चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, अगर इस कैमरे के मैं ग्रिप की बात करूँ तो और काफ़ी मतलब अच्छा ग्रिप है। Z6 II से हल्की सी ये बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसका जो वेट है 706 ग्राम है, और काफ़ी सारी जो चीज़ें ऐड की गई वो यहाँ पर आपको अब जो है इस डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पे अब जो ऑटो फोकस है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। इसकी जो 3.2 टच डिस्प्ले है काफ़ी अमेजिंग है, और काफ़ी अच्छा जो आपको कलर कॉन्ट्रास्ट से प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा यहाँ पे इस कैमरे के अंदर आपको काफ़ी सारे मोड है, ऑटो फोकस मोड है वो दे रखे हैं, जिससे आप अब आपका जो मन में ऐसे ख्याल आता है सोनी कैनन वगैरह, निकॉन हमेशा ही अपने जो वीडियो या फिर ऑटो फोकस में मात खा जाता है, अब आप इसे 6K 60 फ्रेम पर आप इसमें रो वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दे रखा है, एक तो SD कार्ड नॉर्मल आप अपने कैमरे के लगाते हो वो, और एक CFS कार्ड है। आप अगर हाई अगर रेजोल्यूशन वाले वीडियो जैसे रो वीडियो अगर शूट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको CFS कार्ड में ही शूट कर पाएंगे, आप नॉर्मल SD कार्ड में शूट नहीं कर पाएंगे। ये मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा, अगर मैं फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप रो वीडियो शूट करना चाहते हो तो आपके पास CFS जो कार्ड है उसी में आप रो वीडियो शूट कर पाएंगे। नॉर्मल वीडियो में आप 4K 120 फ्रेम तक आप इसमें वीडियो शूट कर पाएंगे। अगर मैं इसको जूम को सेटअप करूं तो इसमें दो तीन चीज़ें ऐड की गई है कि बटन प्ले का लाइट बटन है, जो ऑन ऑफ मोड के साथ ही लाइट बटन का ऑप्शन दिया जाता है वहाँ से हटा के अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, अलग से इसका लाइट बटन है वो दे दिया गया। और यहाँ पे काफ़ी सारे सेम ही फंक्शन है, बस बॉडी का थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो ग्रिपिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी कर दी गई है। Z8 का फील आएगा अगर आप देखेंगे तो, हल्की सी वो बॉडी बड़ी है Z8 की, बट Z8 के और Z9 के जो फंक्शन है इसमें ऐड करने की कोशिश की है। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लेंस को ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं इसके मेगापिक्सल की बात करूँ तो 24 मेगापिक्सल है, CMSO जो सेंसर दे रखा है इसमें, और अब काफ़ी अच्छी आप लो लाइट है वो आप शूट कर पाएंगे, या फिर पिक्चर्स या फिर इमेज अगर आप शूट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं इस लेंस के कैप को हटा के मैं इस कैमरे में लेंस को अटैच कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से आप अपने किट के अकॉर्डिंग आपको जो भी लेंस सूटेबल है वो आप लेंस को बाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 24-74 अपरेचर जो है वो लेंस इसको बाई किया हूँ, और मैं इसमें बैटरी को भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं साइड रिव्यू की बात करूँ तो अब यहाँ पे आपको टाइप C का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको टाइप C मिलेगा,
इसके अलावा यहाँ पे आपको HDMI और लाइव स्ट्रीम के लिए वो भी आप इसमें जो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेडफोन और माइक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। एक चीज़ मुझे निकोन में अच्छी नहीं लगी, ये जो इसके कैप है इनको भी निकोन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, काफ़ी पुराने और बाद में ये जो है ग्रिफिंग है ये लूज पड़ जाती है। तो इसको मॉडल जमाने सोनी वगैरह में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मैं वैसे प्रेफर करूँगा, मैं सोनी वगैरह कैनन सारे कैमरे यूज किए हैं, बट मैं निकोन को लाइक करता हूँ काफ़ी टाइम से। काफ़ी इजी फॉर यूज है। देखो कोई भी कैमरा हो, जरूरी नहीं वो सोनी कैमरा, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। पर मैं इस कैमरे की रिव्यू की बात करूँ तो अगर आप व्लॉगिंग और एक मिड रेंज अगर कैमरा, फ्लैगशिप कैमरा में जो मिड रेंज कैमरा उसमें अगर बाय करना चाहिए तो डेफिनेटली आप निकॉन Z6 III के पास जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है। देखो YouTube पे काफ़ी सारी चीज़ें बता रही कि सोनी इज़ द बेस्ट, ये है वो है। मैं अगर अपने फैक्ट की बात करूँ तो निकॉन सबसे बेस्ट टू बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो और बिगिनर से अगर आप एडवांस में जाते हो तो ये बेस्ट कैमरा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, पहले हमेशा निकॉन ऑटो फोकस और वीडियो में ही मात खा रहा था, फोटोग्राफी और बाकी सब में टक्कर बीट कर रहा था। Z6 II है, आज भी फ्लैगशिप कैमरा हर कोई Z6 II को यूज कर रहा, काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। मैंने खुद ने उसने यूज किया यार, काफ़ी टाइम से मैंने उस कैमरे को यूज किया तो मुझे पता उसका रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग है और इसका रिजल्ट भी सेम ही है। बट इसका जो सेंसर और जो Z6 II का सेंसर वो सेम ही है, बट इसमें CMSO जो सेंसर को ऐड करने की कोशिश करी और 5x इमेज स्टेबलाइजेशन को भी ऐड किया ताकि आप अगर वीडियो या फिर फोटो ले रहे तो आपकी जो सेक हो रही वीडियो वो एकदम शार्प आए। तो ये निकॉन Z6 III और इसकी फोटोज और वीडियो की क्वालिटी देखते हैं। इसका रिव्यू करने अगर आप चाहते हो तो Z6 II के साथ में इसका रिव्यू करो, कैसा इसमें रिजल्ट आए। मुझे फिलहाल एक ही कमी लगी इसमें, जो इसका रो फुटेज है वो CFS कार्ड में सूट होता है। मुझे लगता है दोनों ही कार्ड में सपोर्टेबल होना चाहिए, बट हाई ग्राफिक्स में अगर आप 6K रिकॉर्ड शूट करते हो तो उसके लिए हाई जो कार्ड होना जरूरी है और वो CFS कार्ड में ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इसमें हो सकता है CFS जो कार्ड है उसमें ही आप रो है वो वीडियो शूट कर सकते हो, बाकी नॉर्मली आपको 4K 60 120 फ्रेम तक आप इसमें शूट कर पाएँ। काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस है। अगर ऑटो फोकस की मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करूँ एरिया को, एरिया ट्रैकिंग जिसमें मूवमेंट करूँ, काफ़ी फास्ट हो चुका है अब। अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो निकॉन की सबसे अच्छी खासियत है कि आपको चीज़ें हैं वो इजीली मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है निकॉन की, इसलिए मैं निकॉन प्रेफर करता हूँ। बजट के हिसाब से आप अपने कैमरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके फुटेज के बारे में, फुटेज कैसी आती है, किसका क्वालिटी कैसा है उसके बारे में जानते हैं। देखिए आप पिक्चर टू पिक्चर और इसके वीडियो सैम्पल्स भी मैंने ले रखे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड में मैं लेके आऊँगा और वीडियो फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वीडियो टाइप्स में यहाँ पे आप एनलॉग वगैरह 12 बिट पे शूट कर पाएंगे, हाई रेजोल्यूशन में शूट कर पाएंगे, बट इसके लिए आपके पास CFS जो कार्ड होना ज़रूरी है। CFS कार्ड के बिना यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका दो कार्ड है, एक आपका CFS और जो है एक SD कार्ड है यहाँ पे आपके लगता है। तो ये SD कार्ड में है, आप नॉर्मली 4K फुटेज तक आप वीडियो शूट कर पाएंगे। अगर आपको एनलॉग वगैरह शूट करना है तो आपको CFS कार्ड ही होना चाहिए। आप मेन्यू में जाऊँगा, मेन्यू यहाँ पे टाइप में, अगर मैं वीडियो क्वालिटी अगर बात करूँ डायरेक्ट यहाँ पे जो है वीडियो शूट होता है, और वीडियो शूट होते समय यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे रेड जो लाइन दिखाएगी इससे आपको पता लगेगा कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे शूट हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करता हूँ और यहाँ पे अगर आप इसमें लट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम लट्स आप इनमें यूज कर सकते हो और आपको काफ़ी इजी रहेगा आप अगर वीडियो शूट करते हो तो काफ़ी। बट आप बिगिनर हो और एक व्लॉगिंग कैमरे को ढूंढ रहे हो तो आप निकॉन Z6 III या फिर निकॉन Z50 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका भी सेम ऑटो फोकस वगैरह उसमें दे दिया गया और उसमें भी आप रो जो है फुटेज शूट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप निकॉन को प्रेफर कर सकते हो। मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो निकॉन इज़ द बेस्ट कैमरा आने वाले कुछ टाइम में, बाद में सोनी और कैनन को भी ये बीट करने वाला है निकॉन, क्योंकि इसने रेड के साथ टाइप कर लिया और रेड की जो जितने भी फंक्शंस हैं, जो सारे लट्स है, आप इनबिल्ट अगर फिल्टर वगैरह यूज करते हैं वीडियो में वो आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था निकॉन Z6 III के फुटेज और वीडियोज। अगर आपको सैंपल्स पसंद आए या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ के अभी आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।